तो हेलो मैच, आज किस वाले वीडियो में हम Z9HT की सीजन 2 की एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हो और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है और चैनल पर मयूर परिवार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। और गाइस रही BTTS की एपिसोड, तो BTTS की एपिसोड भी जल्द ही आ जाएंगे, तो चलिए हम बिना बकवास किए बढ़ते है इस वाले एपिसोड की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था की जो अपने जियो फ्रेंड होता है उसका नाम घोस्टली हो गया था। साथ ही हमने एक फ्राइल देखी थी जहाँ पे कुछ लोग 10 साल बाद ये बात कर रहे थे की घोस्ट सेक्ट एक बार फिर से आ गया है और वो लोगों को मार रहा है और लूट रहा है। जिसके बाद हमने देखा था एस्ट्रोलॉजर ओल्ड मैन को, जो कि उन सभी लोगों को उस टाइम की बात बताता है जब वहाँ पे फाइट हुई थी किंग युंग सेक्ट और घोस्ट सेक्ट के बीच में, ताकि वो लोग जियांग झाओंग जियाओ फेंग के बारे में ही बात करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जियो फेंग ने ब्लड फादर हॉल पर अटैक कर दिया था और वहाँ पे काफी सारे लोगों को मारा था और काफी सारे लोगों को अपने में मिला लिया था, जिसमें उनका लीडर भी था, लीडर नियान। लेकिन एक बंदा जिसका नाम बैल डॉग था वो इसमें शामिल नहीं होता और मरने के लिए रेडी होता है, इसीलिए जियो फेंग ने उसे छोड़ दिया था। तो उसने बोला भी था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जियो फेंग, जिसमें अपने जियो फेंग कहता है ये नाम मैं काफी साल पहले भूल गया था। साथ ही हमने लुओ को भी देखा था जो कि जियो फेंग को मिस कर रही थी। और इसके बाद हमें जियो फेंग का दोस्त लिंग दिखाया जाता है जो कि 10 साल उससे अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा था एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन के साथ। और उस ओल्ड मैन ने कहा था तुम्हें जाकर टोंगटियांग पीक में देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे काफी सारी यंग जनरेशन के बॉडीज इकट्ठा हो रहे हैं और शायद कुछ नया होने वाला है। जिसमें वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमने देखा था डाउट फुआन और उस ओल्ड मैन के बीच की बात। तो ये एपिसोड अब जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे लिन जिंगयू जैसे क्रिस्टल हॉल टोंगटियांग पीक में पहुँचता है तो काफी सारे लोग शॉक होते हैं, साथ ही बाकी सभी लोग भी लिन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि उन्हें पता था किंग युंग सेक्ट का ये काफी टैलेंटेड डिसाइबल है और यंग जनरेशन में लू और की हाओ के जैसा ही टैलेंटेड है। हालांकि इस टाइम पे की हाओ अब एक लीडर की पोस्ट संभालने वाला था। हालांकि की हाओ जैसे ही लिन जिंगयू को आते हुए देखते तो काफी होता है और इसके बाद एक स्माइल के साथ उसका वेलकम भी करता है और उसे गले लगाता है। जूनियर वेदर लिन, आप तो मास्टर की निगरानी में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, आप यहाँ क्यों आए हैं? जिस पे लिन कहता है मैंने 10 सालों तक फाउंडर हॉल की निगरानी की थी, अब वो टाइम पूरा हो चुका था इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे मिलने के लिए चला आया क्योंकि रास्ते में मुझे किसी ने गाइड किया था। लेकिन ब्रदर की हाओ मुझे यहाँ पे आपसे मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि तभी की हाओ हंसते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर ने हम सभी को यहाँ पे बुलाया था और उन्होंने कहा था कि बात करने के लिए कोई जरूरी बात है। हालांकि वहाँ पे बहुत सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी ब्रदर सॉन्ग वहाँ पे आते हैं जो कि लिन की तरफ देखते हुए कहते हैं जूनियर ब्रदर लिन मैंने आपको कई सालों से नहीं देखा, आप काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, लगता है कि आपकी पावर में और स्किल्स में काफी सारा अपग्रेड हुआ है ना। जिसपे लिन जिंगयू सिर झुकाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है ब्रदर आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ब्रदर सॉन्ग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है ओल्ड ब्रदर क्या तुम अभी भी छोटे भाई को पहचानते हो? तभी कियाओ भी उस पर्सन की तरफ देखता है जिसने अभी अभी बोला था। तभी कियाओ स्माइल करते हुए कहता है जूनियर ब्रदर जेंग मैं भले किसी को भी भूल जाऊं मैं आपको नहीं भूल सकता और ये जो पर्सन आया था वो ब्रिंड वैली का टैलेंटेड डिसाइबल जेंग सूसू होता है। आप लोग को याद होगा कि जब जेंग डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी तब एक बंदा जियो फेंग के मंकी के पीछे दौड़ रहा था कॉम्पिटिशन के टाइम पे और उसने अपना नाम बताया था सूसू, ये वही जेंग सूसू है। और इस टाइम पे जेंग के पीछे दो क्यूब फिगर्स होती है जो कि बैन मेन और सिस्टर लू होते हैं। हालांकि इस टाइम पे सभी लोग लू की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन ब्रदर सॉन्ग बैन मिन की ओर देखते हैं और एक स्माइल पास करते हैं। ये देखकर सिस्टर बैन मिन स्माइल करती है और थोड़ा सा गुस्से से ब्रदर सॉन्ग की तरफ घूरती है। जिसके बाद जेंग सूसू की हाओ को एल्डर बनने के लिए और मास्टर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। जिसके बाद वो कहता है एल्डर ने हमें यहाँ पे बुलाया है, मुझे लगता है कि कोई बड़ा मामला होना चाहिए। जिसपे की हाओ कहता है मैं ज्यादा तो नहीं याद था लेकिन मैंने सुना है कि बेस्ट डायरेक्शन में कुछ हुआ है और सेक्ट के चीफ मास्टर सेक्ट के यंग टैलेंटेड लोगों को वहाँ ले जाना चाहते हैं एक्सपीरियंस के लिए। ये सुनकर काफी सारे लोग काफी एक्साइटेड दिखाई देते हैं लेकिन जेंग सूसू थोड़ा सा उदास दिखाई देते हैं। जिसपे की हाओ पूछता है ब्रदर जेंग क्या हुआ? जिसपे जेंग अजीब तरीके से स्माइल करते हुए कहता है यंग जनरेशन के टैलेंटेड डिसाइबल्स को माउंटेन में एक्सपीरियंस के लिए ले जाया जा रहा है लेकिन ये मुझे अभी भी केवल एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। और इसके बाद गो और की हाओ एक दूसरे को देखते हैं और अचानक ही अपना मतलब समझ जाते हैं और इसके बाद वो दोनों लोग
अपना सिर हिलाकर सीधा ही लू की तरफ देखते हैं और इस टाइम पे लू शांत खड़ी हुई थी जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। और इसके बाद वो अपने से थोड़ा दूर खड़े हुए लिंग जिंग्यू को देखती है और वो उसे ऐसे देख रही होती है जैसे कि वो किसी के बारे में पूछना चाहती हो, लेकिन फिर भी वो अभी भी काफी दूर था। और ऑब्वियसली ये लोग जो फैंग के बारे में ही बात कर रहे थे और लियो भी जेन फैंग के बारे में ही पूछना चाहती थी। हालांकि तभी उस बड़े से हॉल में घंटियां बजना स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद दाउक स्वांग तुरंत ही मेन हॉल में आते हैं और अपनी सीट में बैठ जाते हैं और उन्हें देखकर सभी लोग तुरंत ही झुककर ग्रीट करते हैं, जिस पे दाउक स्वांग कहते हैं कि सभी लोग बैठ जाओ। जिसके बाद दाउक स्वांग कहते हैं सुइक आप इन सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, जिस पे सुइक तुरंत ही उठकर खड़ा होता और कहता है यस टीचर। और इसके बाद वो सभी डिसाइबर्स के बीच में आते हुए कहता है आज हम सभी लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है क्योंकि एक चीज है जो कि हमारे किंग युंग सेक्ट के टैलेंटेड डिसाइबल को जानने और पूरा करने की जरूरत है। ये सुनकर तो भीड़ में खलबली मच जाती है। तभी वो कहता है हमने कुछ र्यूमर्स सुने कि हाल ही में बेस्ट रीजन के अंदर अजीब वो गरीब लाइट आसमान में कई दिनों से चमक रही थी और इसके सबसे ज्यादा चांसेस है कि वहाँ पे काफी रेयर ट्रेजर आने वाला है और हमें उस चीज को प्राप्त करना होगा। साथ ही हमने ये भी सुना है कि इविल सेक्ट के लोग भी उस चीज के लिए वहाँ पे जा चुके हैं। ये सुनकर किंग युंग के सभी सेक्ट के जो डिसाइबल होते हैं गुस्से में एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं क्या। हालांकि तभी सुइक आई स्माइल करता और कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये खबर फैल गई, हमें अभी भी उस रेयर ट्रेजर को इविल सेक्ट के हाथों में नहीं आने देना है। इसीलिए हमारे किंग युंग सेक्ट ने जिसने हमेशा ही गुड सेक्शन को लीड किया है डिसाइड किया है कि हम सेक्ट से टैलेंटेड डिसाइबल्स को चूज करेंगे और उस जगह पे जाकर उन इविल लोगों को मारेंगे और उस चीज को अपने कब्जे में लेंगे। और इसके बाद वो थोड़ा रुक के कहता है जूनियर ब्रदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ट्यानिन टेम्पल और फेनजिन पवेलियन ने भी अपने डिसाइबल्स को बेस्ट रीजन में भेजा है और 10 साल पहले की बड़ी फाइट के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों फैक्शन हमसे अलग हो गए हैं और ये हमारे गुड फैक्शन के लीडर की पोस्ट पे नजर गड़ाए हुए हैं। और इतना कहना ही था कि सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम किंग युंग सेट का अपमान नहीं होने देंगे। जिस पे वो कहता है ये सही है, हमें इविल फैक्शन क्यारिन टेम्पल और फैंगजियन पवेलियन के लोगों को अपनी पावर दिखानी चाहिए। जिस पे दाउक स्वांग भी इस्तेमाल करते हुए अपना सिर हिलाते हैं। जिसके बाद सो इकाई कहता है इविल फैक्शन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आप सभी लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जिसपे सभी हाँ पे जवाब देते हैं। जिसपे दाउक स्वांग सुइकाई को कहते हैं जाओ और जाने की तैयारी करो। हालांकि उसी टाइम पे लिन कियाओ की तरफ देखते हुए कहता है ब्रदर क्या आप नहीं जा रहे हो। जिसपे कियाओ हंसते हुए कहता है ब्रदर लिन मैं नहीं जा सकता। हालांकि तभी लिन अचानक ही कुछ सोचते हुए कहता है एल्डर ब्रदर तो पहले ही हमारी ब्रांच के लीडर है, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। जिसपे कियाओ उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है ये आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना बेस्ट देंगे और अपना नाम बनाने के लिए आप रेडी होंगे। जिसपे लिंग जिंग्यू स्माइल करते हुए कहता है एल्डर ब्रदर आप मजाक कर रहे हैं। तभी कियाओ स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर लिन मैं आपको सच बताऊंगा, 10 साल पहले एल्डर केन सॉन्ग ने हमारे किंग युंग सेक्ट को धोखा दिया था जिससे हमारी बिग सॉ वैली इसको भी काफी नुकसान हुआ था और इस टाइम पे मुझे इसे संभालने के लिए यहीं पे रहना होगा। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप इस जर्नी में अपना बेस्ट देंगे और हमारी सॉ वैली को एक बार फिर से प्राउड फील कराने में मदद करेंगे। ये सुनकर लिंग जिन्यू तुरंत ही कहता है एल्डर ब्रदर आप चिंता न करें मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जिसपे कियाओ स्माइल करता है। तभी ब्रदर सॉन्ग आगे जाकर कहते हैं तो इस बार लॉन्ग सॉ वैली जूनियर ब्रदर लिन को बाहर भेज रही है। जिसपे कियाओ स्माइल करते हुए कहते हैं ये सही है, हालांकि मैं जानना चाहता हूँ बैम्बू वैली से कौन जा रहा है। जिसपे ब्रदर सॉन्ग हंसते हुए कहते हैं ऑब्वियसली ये मुझे होना चाहिए। जिसके बाद वो हंसते हुए कहते हैं हालांकि मेरी बास्टर की वाइफ ने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे जूनियर ब्रदर डूवीसू को जाने के लिए कहा है। हालांकि ब्रदर सॉन्ग जाते हुए कियाओ से कहते हैं मेरी एल्डर सिस्टर लिंगर मुझे लगता है कि वो भी बिग बैम्बू वैली में लौट आई है और वो कुछ दिन तक वहाँ रुकना चाहती है। जिसपे कियाओ भी इस्तेमाल करते हुए कहता है हाँ लिंगर पहले ही बिग बैम्बू वैली में लौट गई है और उसने कहा था कि वो अपनी माँ को मिस कर रही है और उस टाइम पे तो वो बिल्कुल मदर इन लॉ की तरह ही लग रही थी। जिसके बाद हमें बिग बैम्बू वैली दिखाई जाती है और इसके बाद हमें बोट डॉग दाहुआंग और जियो फैन का मंकी जियो हुई दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। वो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। हालांकि 10 साल पहले जियो फैंग जब उसने टोंग टियांग पीक को छोड़ दिया था तो वो कभी भी वापस नहीं आया और ये दोनों ही बीच काफी ज्यादा उदास थे, खासकर जियो हुई क्योंकि वो हमेशा ही जियो फैंग के साथ रहता था। साथ ही दाहुआंग के लिए भी ये बिल्कुल भी इजी नहीं था और ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उन दोनों लोगों को जियो फैंग के बनाए खाने की आदत थी। हालांकि ये दोनों ही जानवर उदास होकर पूरे ही दिन एक साथ खेलते रहते थे और रात की ये हमेशा ही
जो फैन के रूम की तरफ लौट आते थे जैसे कि वो उसके लौटने का इंतजार कर रहे हो। हालांकि ये कमरा सालों से खाली था और आज भी ये खाली ही रहता है। हालांकि स्टेफे दाहुआंग और जियो फैन कमंगी जियो हुई दोनों एक दूसरे के साथ हिल रहे होते हैं, लेकिन तभी दाहुआंग बैम्बू फॉरेस्ट के डीप एरिया की तरफ देखता है और जियो हुई भी उसी डायरेक्शन पे देखता है जहाँ से हवा के टकराने की आवाज आ रही थी। और इसके बाद वो दोनों ही लोग उसी फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं और इसके बाद वो लोग फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए काफी डीप चले जाते हैं और उस जगह पे जाके रुकते हैं जहाँ पे पहली बार जियो फैंग ने यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। और इस टाइम पे वो देख सकते थे कि वहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ था, जो देखकर जियो हुई और दाम हुआ वो दोनों ही लोग तुरंत ही उस पर्सन के पास चले जाते हैं। और इस टाइम पे वो दोनों लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और पूरी तरीके से उस पर्सन की बॉडी से चिपक जाते हैं। हालांकि तभी वो पर्सन डॉग दा हुआ और मंकी जोवी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और इसके बाद वो तुरंत ही जोवी को गले से लगा लेता है। और इसके बाद वो स्माइल करते हुए नीचे देखता है तो दांग हुआ उसके पैरों को सहला रहा होता है, जिसको वो स्माइल करते हुए कहता है दोहांग क्या तुम ठीक हो। हालांकि दोहांग बोल नहीं सकता था इसलिए वो दो बार सिर बार्क करता है यानी भौंकता है और धीरे से अपना सिर पूछ लाता है, जिसके बाद वो पर्सन उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है सिर्फ तुम दोनों अब भी मुझे पहले जैसा मान सकते हो। हालांकि तभी उस बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर अचानक एक फिगर कहती है ये कुछ जानी पहचानी स्मेल है और इसके बाद वो धीरे धीरे उस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है और ये और कोई नहीं बल्कि वाइल्ड डॉग होता है जिसे उस टाइम पे जियो फैंग घोस्टली ने छोड़ दिया था। हालांकि वाइल्ड डॉग जब घोस्टली को देखता है तो वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है बच्चे क्या तुम पागल हो, अगर तुम मरना भी चाहते हो तो भी ऐसा करने की क्या जरूरत है, ये किंग युंग सेक्ट है, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, और भले ही तुम्हारे पास 10 जीवन क्यों ना हो फिर भी तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। हालांकि तभी दा हुआंग जो कि जियो फैंग के साथ बात कर रहा था खेल रहा था वो जैसे ही वाइल्ड डॉग को देखता है तो तुरंत ही उस पे भौंकते हुए उसकी तरफ झपट पड़ता है। ये देखकर वाइल्ड डॉग काफी ज्यादा शॉक होता है और इसके बाद वो तुरंत ही अपने वेपन निकाल कर रेडी हो जाता है दा हुआंग को मारने के लिए। हालांकि उसी टाइम पे घोस्टली जो कि उसके सामने था वो तुरंत ही कहता है अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे सारे हाथ पैर काट के ब्रेड फॉर्जर हॉल के सामने फेंक दूंगा। ये सुनकर वाइल्ड डॉग काफी ज्यादा अक्का बक्का रह जाता है और गुस्से में कहता है क्या कहा। हालांकि वो कुछ कह पाता कि उससे पहले ही दाहुआंग उसके ऊपर अटैक कर देता है और तुरंत ही उसे काटने रखता है, जिसके बाद जंगल की झाड़ियों से बस चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जहाँ पे वाइल्ड डॉग कहता है बास्टर्ड ये मेरी जांग है, मुर्गी की जांग नहीं, मुझे जाने दो, अब और मत काटो, अनस ही चीख रहा होता है। हालांकि यहाँ पे घोस्टली ने तो अपने कान बंद कर लिए थे और वो जोवी को देखता है और इसके बाद स्माइल करता है। और इस टाइम पे 10 साल तक जोवी को न देखने के बाद जोवी थोड़ा सा बड़ा हो गया था, साथ ही उसके गले लगे हुए के कारण वो थोड़ा सा भारी भी लग रहा होता है और उसकी दोनों आंखों के बीच का एक निशान वो भी कुछ बड़ा सा दिखाई दे रहा था। हालांकि जियोवी अपनी आदत से मजबूर वो तुरंत ही घोस्टली के सिर पे चढ़कर उसके बालों से खेलने लगता है, जिसके बाद घोस्टली उसी फॉरेस्ट के थोड़ा सा बाहर जाता है और दूर पर्वत से सामने की जगह को देखने लगता है जो कि कभी उसका घर हुआ करता था। हालांकि उसी टाइम पे दोहांग घोस्टली के पास आ जाता है, वो काफी कुछ दिखाई दे रहा था और केवल उसके पर्व वो चिल्ला रहा होता है जिसपे घोस्टली के सेल को तप तपाते और उसे धीरे से खिलाता है, जिसके बाद वाइल्ड डॉग वहाँ से बाहर निकलता है जिसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और उसकी बॉडी पर कुछ खरोच और काटने के भी निशान थे। और इसके बाद जब वो से घोस्टली के पास देखता है तो वो दाहुआंग से काफी डर जाता है और उसके बाद वो तुरंत ही डांटते हुए कहता है बास्टर्ड डॉग ये मत सोचो कि अगर तुम घोस्टली के साथ हो तो बच गए, एक न एक दिन मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। और उसकी बात को सुनकर दाहुआंग गुस्से से उसकी तरफ भौंकने लगता है और दाहुआंग की बुद्धि को देखकर वाइल्ड डॉग भी डर के पीछे हट जाता है। हालांकि इसके बाद घोस्टली जो वी की तरफ देखता और इसके बाद दाहुआंग के सिर को खिलाते हुए अपने स्टिक को निकालता और तुरंत वहाँ से जाने लगता है। और इस टाइम पे दाहुआंग भी जोर जोर से भौंक रहा होता है जैसे कि वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि घोस्टली को वहाँ से और चले जाने के बाद और जो वी को ले जाने के बाद दाहुआंग अकेला हो गया था और बस वहाँ पे भौंक रहा था कि तभी अचानक एक व्हाइट हैंड उसके गले पर आता है और उसे खिलाते हुए कहता है दाहुआंग क्या हुआ, आज तुम यहाँ क्यों भौंक रहे हो या कि आज तुम यहाँ क्यों आ गए। दाहुआंग उस पर्सन को देखकर अचानक ही शॉक हो जाता है क्योंकि ये क्यान लिंगर होती है जो कि शादी के बाद यहाँ से दूर चली गई थी। हालांकि तभी दाहुआंग लिंगर की तरफ देखता और इसके बाद वापस आसमान की तरफ देखते हुए जोर से भौंकने लगता है। तभी लिंगर अपने चारों तरफ
देखती और थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहती है, क्या हुआ दाहुआंग? जोई कहाँ है? वो आपके पास क्यों नहीं है? हालांकि दाहुआंग उसकी बात पे रिएक्ट करते हुए आसमान की तरफ भौंकने लगता है। तुरलिंगदर आसमान की तरफ देखती है जहाँ पे उसे केवल ब्लू आसमान दिखाई देता है। हालांकि लिंगदर को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अचानक ही वो कुछ सोचने लगती है, जिसके बाद किंगयून हिल के साउथ डायरेक्शन में दिखाई जाती है, जहाँ पे एक ऊंचा पहाड़ होता है जिसका नाम मैजिस्टिक फाउल माउंटेन था और ये इविल सेक्ट का हेडक्वार्टर था। और इन 10 सालों में जो इविल सेक्ट होता है उसकी जो पावर थी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हालांकि उनकी फाइट गुड फैक्शंस के साथ हमेशा ही चलती रहती थी और इस टाइम पे उसने अपनी इविल फैक्शन को पावरफुल बनाने के लिए घोस्ट किंग ने काफी मेहनत की थी। साथ ही घोस्ट किंग सेक्ट इविल सेक्ट के 4 पावरफुल सेक्ट में से एक थी। हालांकि उन्होंने सील किया था कि इविल सेक्ट की जो सबसे बड़ी शाखा सबसे पावरफुल ब्रांच है वो वनडू क्लैन होती जा रही है। हालांकि इस टाइम पे घोस्ट किंग जिसने घोस्ट किंग सेक्शन को पावरफुल बनाने के लिए काफी मेहनत की थी, उसे पता था कि उसके जो फाइटर्स हैं वो काफी पावरफुल हैं। साथ ही उनकी यंग जनरेशन में एक मिस्टीरियस पर्सन भी था जो कि घोस्ट ली था और उसे उसके क्लैन में सभी लोग काफी ज्यादा मानते थे। और साथ ही साथ घोस्ट किंग ने घोस्ट ली को नेक्स्ट एक्ट लीडर की तरह भी देखा था, जिसके बाद सीन से प्रोतार हमें एक ब्लैक मार्क्स के साथ एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई जाती जो कि यूजी होती है। और इस टाइम में घोस्ट किंग सेक्ट के वो सबसे इम्पोर्टेंट रूम में होती है और ये कमरा काफी ज्यादा ठंडा होता है क्योंकि इसका जो फ्लोर होता है वो आइस का फ्लोर होता है। और वो अपने सामने भूयाओ को देख रही होती है जिसने येलो कलर के ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो इस टाइम पे काफी क्यूट लग रही थी, लेकिन बस उसकी सांसें नहीं चल रही थी। हालांकि तभी यूजी के पीछे इस रूम का दरवाजा अचानक ही ओपन होता है और उसे कदमों की आहट सुनाई देती जो सुन यूजी काफी शॉक होती है क्योंकि उसे पता था इस रूम के अंदर आने की इजाजत बहुत कम लोगों को ही है। यहाँ तक कि पूरे घोस्ट किंग सेक्ट के अंदर मुश्किल से 4 से 5 लोग ही होंगे जो इस रूम के अंदर आ सकते थे। हालांकि वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वो देख सकती थी कि जियोफेंग जिसका नाम घोस्टली है वो उसके पीछे आ रहा था। और इस टाइम पे वो देख सकती थी कि घोस्टली का चेहरा पीला होता है और उसे अच्छी तरीके से याद था कि जब भी घोस्टली इस रूम के अंदर आता था तो हमेशा ही उसका चेहरा पीला हो जाता था। साथ ही यूजी फील करती है कि घोस्टली ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है, यहाँ तक कि भूयाओ वो केवल भूयाओ को पसंद करता है। हालांकि घोस्टली के उस रूम पे आते ही अचानक ही उस रूम में सन्नाटा हो जाता है और बाहरी दुनिया में घोस्टली जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है और हर जगह उसी के साथ चर्चा होते हैं इस रूम के अंदर आकर उसे केवल यही पे शांति मिलती थी। हालांकि यूजी पीछे जाकर उस रूम को बंद करना चाहती थी, लेकिन वो ये देखकर काफी चौंक जाती है कि फर्स्ट टेलर वहाँ पे खड़े हुए थे जो कि किंग लॉन्ग होते हैं। तभी यूजी कहती है ये यहाँ कैसे, जिसपे किंग लॉन्ग उसे बताते हैं कि वो वापस आ गया है, जिसपे यूजी भी अपना सिर लाती और कहती है हाँ वो वहाँ भूयाओ से बात कर रहा है, जिसपे किंग लॉन्ग भी थोड़ा सा उदास होते हैं क्योंकि उन्हें पता था ये चेट केवल एक तरफा होने वाली है और यहाँ पे घोस्टली केवल खुद से ही बात करेगा क्योंकि वो याओ तो ना सुन सकती है और ना बोल सकती है। तभी यूजी कहती है जियोफेंग जब भी यहाँ पे आता है तो वो पहले यहाँ आता है। तभी किंग लॉन्ग कहते हैं थर्ड सिस्टर सेक्ट हेड घोस्ट किंग ने उसे घोस्टली नाम दिया है, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि उसे बुलाने के लिए इस नाम का यूज न करो। हालांकि यूजी के फेस इंप्रेशन में बिल्कुल ही बदलाव नहीं आता और वो कहती है लेकिन सेक्ट चीफ यहाँ पे काफी लॉन्ग टाइम से नहीं है, जिसपे किंग लॉन्ग कहता है ये 10 साल उनके लिए काफी भारी रहे हैं और ऐसा नहीं कि उन्हें अपनी इकलौती बेटी की याद नहीं आती, वो बस अपना दर्द छिपा रहे हैं। हालांकि तभी यूजी चुप हो जाती और इसके बाद कहती है ब्लैक समन ट्राइब उसकी खोज कैसी चल रही है, जिसपे किंग लॉन्ग कहते हैं ब्लैक समन ट्राइब 1000 साल पहले ही गायब हो गए और हमारे पास उनके लिए कोई भी सुराग नहीं है कि हम उन्हें कहाँ ढूंढे। हालांकि तभी यूजी उस रूम के बाहर की तरफ जाने लगती है और उसे पता था कि पूरे घोस्ट एक्ट के अंदर ये इकलौता ऐसा रूम है जो कि काफी ज्यादा शांत रहता है। हालांकि तभी किंग लॉन्ग यूजी की तरफ देखते हुए कहता है बेहतर होगा कि तुम घोस्टली से दूर हो जाओ। ये सुनकर तो यूजी की पूरी बॉडी अचानक कोल्ड और कड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे खुद को शांत करते हुए किंग लॉन्ग की तरफ देखते हुए कहती है आपका क्या मतलब है, जिसपे किंग लॉन्ग उसकी तरफ नहीं देखते और कहते हैं मुझे पता है कि तुम भूयाओ के प्रति काफी गिल्टी फील करती हो, साथ ही मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिल में घोस्टली के लिए काफी ज्यादा टेंशन है। ये सुनकर यूजी कुछ नहीं कहती और अचानक ही उसकी बॉडी से उसका ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहती क्या तुम कह रहे हो कि मेरे दिल में वास्तव में उसके लिए फीलिंग्स है। हालांकि किंग लॉन्ग ऐसे फील करता है जैसे कि उसे ये किलिंग इंटेंट द्वारा फील ही ना हो रहा हो और वो धीरे से कहता है थर्ड सिस्टर मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं केवल तुम्हें ये याद कराना चाहता हूँ कि भूयाओ घोस्ट किंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और घोस्ट ही के लिए भी मैंने कई सालों से घोस्ट किंग को धोखा दिया था और मैं जानता हूँ कि वो भले ही घोस्टली को अपने बेटे की तरह एक्सेप्ट कर चुके हो, लेकिन जब वो भूयाओ की तरफ देखते हैं तो वो भी अपने दिल में
कुछ करवाहट फील करते हैं और उसके बाद वो यूजी की तरफ देखते हुए कहता है, टाइज सिस्टर तुम अपना ख्याल रखना। जिस पे यूजी कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पे किंग लॉन्ग केवल एक स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है और या फिर उस रूम के अंदर घोषली बियाओ के पास जाकर बैठ जाता है और इसके बाद वो अपने पीले चेहरे के साथ बियाओ की तरफ देखते हुए कहता है, मैं वापस आ गया बियाओ, आज मैं एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय करके आया हूँ और ये ब्लड फॉरदर हॉल था जिससे हम स्टार्टिंग में मिले थे, क्या तुम्हें याद है? हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं उस आखिरी आदमी को नहीं मार पाया क्योंकि मैं वहाँ पे याद कर सकता था कि हम वहाँ मिले थे, मैं उसे नहीं मार सका। बियाओ क्या तुम मुझे इसके लिए दोष दोगी? जिसके बाद वो बताता है, कुछ दिन पहले मैं बिग बैम्बू वैली में गया था और उसी टाइम पे मैं जियोवी को वहाँ से वापस ले आया। क्या तुमने जियोवी को देखा है? ये वो बंदर है जिसे मैंने पाला था। मैं जब उस बैम्बू फॉरेस्ट में गया था तो क्या तुम्हें पता है कि मैंने वहाँ क्या देखा? वहाँ पे वो बांस का टुकड़ा जो जमीन पे गिरा हुआ था वो अभी भी वहीं पे पड़ा है। बियाओ क्या तुम्हें याद है? वो वही बांस का टुकड़ा है जिस पे हम दोनों बैठा करते थे। बियाओ यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला और इतना कहते कहते जो फेंग का जो गला होता है बुरी तरीके भर जाता है और उसकी सिसकियाँ और घुटन की आवाजें पूरे रूम में गूंजने लगती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गोस्ट किंग दिखाया जाता है जो कि आईने में अपनी शक्ल देख रहा होता है और उसके बाल सफेद हो गए होते हैं। जिसके बाद वो इधर उधर देखते हुए अजीब तरीके से स्माइल करता और कहता है, मैंने बहुत दिनों से आईना नहीं देखा और आज जब मैं इसे देख रहा हूँ तो मेरे सफेद बाल काफी बढ़ गए हैं। तभी उसके पीछे गोस्टली बिना किसी फेस इंप्रेशन के कहता है, मुझे लगता है आप काफी अलर्ट टेंशन में है। इस टाइम पे मैजिस्टिक फॉक्स माउंटेन के अंदर एक छोटी सी झील के बीच में एक पवेलियन बना हुआ होता है जिसके बीच में एक वुडन ब्रिज था और इस टाइम पे घोस्ट ट्री और घोस्ट किंग दोनों उसी पवेलियन के ऊपर खड़े हुए थे। तभी घोस्ट किंग अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे रखते हुए कहता है, मैंने कैंग सॉन्ग माउंटेन की आपकी हाल ही की जर्नी के बारे में सुना। हालांकि आपने ब्लड फॉरजर हॉल को कंट्रोल कर लिया है लेकिन मुझे पता है कि लास्ट पर्सन ने सरेंडर नहीं किया था और वो वाइल्ड डॉग था लेकिन आपने उसे छोड़ दिया, क्या कोई बात है? जिस पे घोस्टली घोस्ट किंग को देखता है और वो इस टाइम पे शांत होता है जिसके बाद वो कहता है ये सही है। तभी घोस्ट किंग स्माइल करता और इसके बाद घोस्टली से कहता है, पास्ट में तुमने जब भी किसी के ऊपर अटैक किया तो तुमने कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, न ही किसी पे तुमने दया दिखाई, फिर तुमने उस पर्सन को क्यों छोड़ दिया? जिस पर घोस्टली थोड़ी देर तक चुप रहता और इसके बाद कहता है, ब्रेड फॉरजर हॉल पहले ही काफी ज्यादा गिर चुका है लेकिन 800 साल पहले ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हालांकि घोस्ट किंग जो कि वहीं पे खड़ा था उस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता और ना ही ये दिखाता है कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं। और काफी देर बाद वो बोलता है, क्या आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपके हाथ का मैजिकल वेपन होना चाहिए, वो ब्लड सकिंग और वो एल्डर ब्लैक हार्ट का ही अवशेष कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि ब्लड फॉरजर हॉल और आपके बीच में यही एक रिलेशन है। और इसके बाद घोस्ट किंग मुड़ता और घोस्टली की तरफ देखता और घोस्टली घोस्ट किंग की तरफ देखता है। हालांकि घोस्टली इस टाइम उदास होता है जबकि घोस्ट किंग काफी शांत। जिसके बाद घोस्ट किंग हंसते हुए कहता है, हाल ही में मैंने सुना है बेस्ट डायरेक्शन में एक रेयर ट्रेजर अपीयर होने वाला है, क्या आप जानते हैं? जिसपे घोस्टली सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। जिसपे घोस्ट किंग कहता है, मैंने सुना है न केवल गुड फैक्शन के लोग झुंड बनाकर वहाँ जा रहे हैं बल्कि बांडू क्लेन हे वन सेक्ट वो लोग भी अपने पावरफुल लोगों को एक्शन लेने के लिए वहाँ भेज रहे हैं। जहाँ तक चांग सेंग हॉल का बात है तो उनका तो मेल हॉल ही वहाँ पे है इसलिए वो इस चांस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो तीन नाम मैंने बताए बांडू क्लेन हे वन सेक्ट और चांग सेंग हॉल ये इविल सेक्ट की तीन ब्रांचेस है और चौथी अपना घोस्ट किंग सेक्ट। जिसके बाद घोस्ट किंग घोस्टली की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या सोचते हो? जिस पे घोस्टली तुरंत नहीं बोलता हालांकि कुछ देर रुकने के बाद वो कहता है, क्योंकि हमने ब्लड फॉरजर हॉल को कंट्रोल कर लिया है और सेक्ट की चार पावरफुल ब्रांचेस में से अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो ब्लड फॉरजर हॉल लास्ट एक ब्रांच थी जिसकी स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद थी जिसे हमने तोड़ दिया है। जिस पे घोस्ट किंग स्माइल करते हुए कहता है, ये सही है। तभी घोस्टली कहता है, इविल फैक्शन में ये हमेशा से एक टकराव रहा है क्योंकि चारों ब्रांचेस इस फैक्शन को संभालना चाहती है। हालांकि पास्ट में गुड फैक्शन के खतरे के कारण उन्होंने एक साथ लड़ने के लिए हाथ मिलाया था लेकिन ये टाइम अब पहले जैसा नहीं है और मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम पे अपनी पावर को शो करने के लिए चारों ही ब्रांचेस के बीच में एक फाइट हो सकती है और इस टाइम पे हम नहीं जानते कि कौन जीतेगा और कौन पहला स्टेप आगे बढ़ाएगा। ये सुनकर घोस्ट किंग स्माइल करता और ताली बजाते हुए कहता है, बहुत अच्छे। और इसके बाद कहता है, घोस्टली इन 10 सालों में न केवल कियांसु का सेकेंड वॉल्यूम पास किया है बल्कि आपने अपने लाइफ में काफी सारी नॉलेज स्ट्रेटजीज और डिसीजन लेने के लिए खुद को काफी अच्छा कैपेबल बनाया है और
काफी ट्रेन किया है और इसके बाद गोष्ठी ये स्माइल करते हुए गोष्ठी की तरफ देखता है और इस टाइम पे वो ऐसे उसे देख रहा होता है जैसे कि वो काफी कीमती चीज को देख रहा हो जिससे उसने खुद रेडी किया हो। साथ ही वो काफी प्राउड भी अपने आप पे फील कर रहा था। जिसके बाद वो कहता है, तुमने कुछ सालों में अपनी पावर को जैसे बढ़ाया है और जो टैलेंट शो करके दिखाया है वो तो मेरी सोच से भी काफी ज्यादा था। मुझे लगा था कि आपको इस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 30 साल का टाइम लगेगा, लेकिन ये काफी अनएक्सपेक्टेड है कि आपने केवल 10 सालों में इन सभी अचीवमेंट्स को पा लिया है। ये सच में काफी रेयर है। हालांकि गोशीन काफी तारीफ कर रहा होता है, लेकिन गोष्ठी के चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं आती, ना ही वो खुश होता है। हालांकि गोष्ठी इस चीज से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता गोष्ठी, क्योंकि उसने इन वर्षों में देखा था कि झामिन जियाओ फैन से लेकर गोष्ठी तक के सफर में उसकी पूरी सिचुएशन बदल गई थी और उसने देखा था कि प्रेजेंट टाइम का गोष्ठी पास्ट का जियो फैंग नहीं है। हालांकि तभी गोष्ठी कहता है, तो आपको क्या लगता है, क्या हमें पहले अटैक करना चाहिए या चुपचाप वेट करना चाहिए? हालांकि गोष्ठी बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, हमें उन पे स्ट्राइक करनी चाहिए। जिस पे गोष्ठी कहता है, अच्छा तो फिर आपको क्या लगता है हमें किस ब्रांच से सबसे पहले निपटना चाहिए? जिस पे गोष्ठी कहता है, चांग सेन हॉल। जिस सुनकर घोष काफी खुश होता है, लेकिन वो तुरंत ही कहता है, ऐसा क्यों? जिस पे गोष्ठी कहता है, प्रेजेंट टाइम पे घोष्ट किंग सेक्टर बांडू क्लेन यही दो सबसे पावरफुल क्लेन है। जिसके बाद हे हुआन सेक्टर चांग सेंग हॉल दूसरे पोजीशन पे है। हालांकि हे हुआन सेक हमेशा ही कम इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन चांग सेंग हॉल के जो लीडर है जीवांग जी, हालांकि उनकी स्किल तो काफी हाई लेवल की है, लेकिन वे काफी ज्यादा ईगोफुल है और वो अपने आप को इविल फैक्शन का लीडर मानते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उसी को टारगेट में लेना चाहिए, क्योंकि उसी डीएट से डील करना काफी इजी होगा। जिस पे गोश्त किंग इस्तेमाल करते है कहता है, ये ठीक है, तो अगर आपको लीड करने को कहा जाए तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जिस पे गोश्त इस्तेमाल करते हुए कहता है, ये सबसे अच्छा चांस है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में एक रेजर अपियर होने वाला है और युआन जी वहाँ पे जरूर जाएगा और साथ ही साथ गुड फैक्शन के लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं, तो हम केवल गुड फैक्शन और चांग सेंग हॉल के बीच की फाइट का वेट करेंगे और दोनों ही ग्रुप के इंजर्ड हो जाने के बाद हम अपनी चाल चलेंगे और इसके लिए हम बांडू क्लेन और हे वन सेफ्ट के साथ हाथ मिलाएंगे और मुझे लगता है कि उस पर्सन को नीचे गिराने के लिए वे लोग बिल्कुल भी इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करेंगे, जिससे ये फाइट 100% सक्सेसफुल होगी। ये सुनकर गोष्ठी कुछ भी नहीं कहता, बस वो गोष्ठी की तरफ देखता है। तभी गोष्ठी किंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये सही है? जिस पे घोष किंग अचानक ही खुद को कंट्रोल करता और उसके बाद घोषली की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, जो आपने अभी कहा मैंने भी वही सोचा था। जिस पे घोष की अब और कुछ नहीं बोलता, तभी घोष किंग कहता है, तुम दो दिन तक वेट करोगे और इसके बाद तुम और दो दिन बाद तुम बेस्ट डायरेक्शन की तरफ उस ट्रेलर के लिए जाओगे। और उसके बाद वो एक सील पैक्ड लेटर निकालता है, जो कि वो घोषली की तरफ देते हुए कहता है, मैंने इस लेटर में बाकी सब कुछ लिख दिया है और उस डायरेक्शन में पहुंचने के बाद गोश्त किंग सेक्ट के सभी लोग आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। गोश्ती तुरंत उस लेटर को लेकर अपनी चेस्ट के अंदर रख लेता है और उसके बाद मुड़कर जाने लगता है कि तभी गोश्त किंग कहते हैं, अभी भी एक बात और है। जिस पे गोश्ती रुक जाता है, हमारे बीच आप अभी भी हमारे होली सेक्ट को इविल सेक्ट के तौर पर क्यों एड्रेस करते हैं, यानी इविल सेक्ट क्यों कहते हैं? जिस पे गोश्ती चुप होते हुए कुछ देर तक सोचता और इसके बाद कहता है, मैं 10 साल से इस सेक्ट में शामिल हो गया हूँ, यहाँ हर रोज एक खून की बैटल होती है, हर कोई एक दूसरे को पीछे करने के लिए साजिशें करता है और एक दूसरे को मारने से पहले दो बार भी नहीं सोचता, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं इसे होली सेक्ट का हूँ? जिस पे गोश्त किंग हंसते हुए कहता है, तो फिर जिस सेक्ट से तुम आए हो वो कैसा है? ये सुनो गोश्त की बॉडी कांपने लगती है और इसके बाद वो कहता है, गुड फैक्शन ने जो भी इविल काम किए वो इविल सेक्ट से काफी बेहतर नहीं थे। जिस पे गोश्त किंग कहता है, ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर आपके दिल में क्या है? गुड के तौर पे आप किस चीज को अच्छा मानते हैं? जिस पे गोश्त कुछ भी नहीं कहता, आसमान की तरफ देखता है और इसके बाद कहता है, मुझे नहीं पता,